हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। यार तुम लोग सोच रहे होगे आखिरकार आ ही गई, इतने दिनों के बाद सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट आखिरकार आ ही गया। मैं लाने वाला था यार तुम्हारे लिए। यार एक हादसा हो गया कि जो हमने माइनशाफ्ट ढूंढी थी ना, वो पूरी माइनशाफ्ट एक्सप्लोर कर ली थी। उसके बाद हमें एक गॉम्बी का जो वो होता है ना स्पॉनर, वो मिला था। तो मैंने सोचा था कि चलो इसको बढ़िया से एक्सपी फार्म में कन्वर्ट कर, कन्वर्ट भी कर लिया, नेदर में भी चले गए, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल गई। पर फिर मेन पॉइंट आता है भाई, जब मैं अपना एडिट करने के लिए गया, क्लिप्स ढूंढने लगा, तो भाई क्लिप्स थी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करने वाला बटन ही बंद कर दिया, बटन ही ऑन करना भूल गया था मैं। भाई इतना दिमाग खराब हुआ था ना मेरा, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि भाई माइनक्राफ्ट को निचोड़ के मरोड़ के फेंक दो, डिलीट कर दो। तो मैंने सोचा यार डिलीट कर दूंगा तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे, वैसे ही व्यूज़ नहीं आते। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिससे व्यूज़ आते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। यार तुम लोग लाइक करा करो वीडियो को, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सस्ता प्रमोशन पहले ही करना पड़ता है, वरना बीच में लोग बोलते यार मज़ा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मैंने क्या क्या करा है। और आज हम बनाने वाले अपनी लाइब्रेरी और जाने वाले थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। वैसे रात हो रही है, अभी नहीं जाएंगे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने, पर मैं तुम्हें सबसे पहले दिखा दूँ हमने क्या क्या करा है। आई होप यार तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते होगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हमारा छोटा सा आशियाना। वाह, तो ये देख रहे हो भाई, क्रिसमस था तो क्रिसमस पे क्या कहते हैं सेंटा क्लॉस ये गिफ्ट दे के गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये चेस्ट है, चेस्ट का रंग बदल गया पता नहीं क्यों। और इतनी सारे डायमंड की पिकैक्स, और डायमंड मिले थे 4 डायमंड, और वैसे पिछली बार 4 ही मिले थे पर और भी मिल गए थे बाद में, जब मैं बता रहा हूँ ना वीडियो ऑन करना भूल गया, दिमाग खराब यार। और राइट गाइज, यार सुबह हो चुकी है, अब मैं ऊपर चल के तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या खुराफात हमने की है। तो ये देख रहे हो ना, तो ये जो हिस्सा है ये एकदम नॉर्मल सा है जैसा था, और हम यहाँ पे बनाने वाले अपनी लाइब्रेरी, बहुत ही ओपी लाइब्रेरी बनने वाली है। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। अब मेन बात आती है मैंने क्या करा है, तो यार तुम लोग रेडी हो ना देखने के लिए। ये नहीं, oh, no. ये देखो है ना एकदम ओपी पोर्टल। आई ये भी हमने उसी एपिसोड में बना लिया था, पर यार मेरा दिमाग खराब, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं कैसे तुम्हें बताऊं यार, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। तुम सोच सकते हो मेरा दिमाग कितना खराब हुआ होगा जब मुझे पता चला भाई मैंने रिकॉर्ड करने का बटन बंद कर दिया। भाई ये डायमंड का आर्मर भी मुझे नीचे माइनशाफ्ट से मिला था, माइनशाफ्ट भाई इतनी ओपी माइनशाफ्ट थी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई साहब, पूरी इतनी बड़ी माइनशाफ्ट थी, दिमाग खराब हो गया था ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे था हमारा स्पॉनर जिसको मैंने लोकेट करने के लिए ऊपर तक आया था और ये बना दिया था खंबा से। तो अब ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा मेट्रो सिस्टम अपने स्पॉनर तक पहुंचने के लिए। और वो स्पॉनर अब कन्वर्ट हो गया है एक्सपी फार्म में, जो कि मैंने उसी एपिसोड में बनाया था। इतना काम करा था मैंने उस एपिसोड में भाई, पूरे 4-5 घंटे लग गए थे रिकॉर्ड करते करते। मैं क्या बताऊं यार, इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। पहले मैं खाना खा लूँ थोड़ा सा, ऐसे हम जाएंगे अंदर और थोड़ा सा धक्का लगाएंगे। ये है ना कितना ओपी, ये जितनी भी रेल्स तुम देख रहे हो ये भी हमें माइनशाफ्ट से मिली थी, और ये हम आ गए यहाँ पे। और ये तुम देख रहे हो यहाँ पे ऐसा हमने कुछ रूम बना दिया है, और यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, पर अब फिलहाल अभी स्पॉन नहीं है क्योंकि गेम अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रुकना होगा। ये देखो ज़ॉम्बी स्पॉन होने स्टार्ट हो गए, अब यहाँ पे आएंगे। ऐसे हमारे ये एक्सपी फार्म काम करता है, और वापस इसमें बैठ जाएंगे और ऐसे ऊपर चले जाएंगे सीधा। एकदम ओपी बनाया हुआ है, तुम लोग बताना यार तुम्हें ये कैसा लगाया। वैसे हमें एक स्केलेटन सब स्पॉनर मिला था वो उस साइड है, अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई बना के दिखाओ तो मैं तुम्हें अगले एपिसोड में बना के दिखा दूंगा वहां पे। वो देख रहे हो वो इतना दूर है, ये सबसे पास में था भाई, इतना मतलब मजा सा आ गया यार। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारी कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ क्या बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। ये पिक्स है, पिक खैर थोड़े कम है, मैंने गाजर उगाने के लिए रखी हुई है। और ये है हमारी खैर, सबसे पहले हम जाके पेपर बना लेते हैं, उसके बाद लेदर चाहिए होगा, अपने गाय मारनी पड़ेंगी हमें। ओके गाइस, तो बुक बनाने के लिए एक लेदर और 3 पेपर, ठीक है। तो लेदर मैं लेके आता हूँ, एक मिनट मेरे पास लेदर रखा है शायद। और 3 नेम टैग भी मिले थे, नेम टैग का तुम नेम बताना मुझे कि क्या क्या नाम रखना चाहिए अपने घोड़े के, हमारे पास अभी घोड़ा ही है। Mm-hmm.
अब हमारे पास एक गाय बची और एक गाय उधर घूम रही थी, तो मैं उसको भी पकड़ के ले आऊंगा बाद में। और राइट गाइस, 14 बुक्स बनी है यार। यार कोई बात नहीं, इनको तो रख के आते हैं सबसे पहले ऊपर। इतना हो गया, इसी हिस्से में ऐसे ऊपर लेते जाएंगे हम। अबे सो जा यार, क्या दिक्कत है। चलो थोड़ा फूड तो मिला ही हुआ है, तो फूड को हम कुक कर लेते हैं सबसे पहले इसमें डाल के। और गाइस यार रात हो गई है, अब हम सो जाते हैं चुपचाप। ऑल राइट गाइस, थोड़ा सा खाना ले चलते हैं। और एक एंडर पर्ल भी मिला है। और हाँ, मैं तुम्हें एक हिंट दे दूं, अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं वो हम कौन सा डेब्रिस होता है, एंशियंट डेब्रिस ढूंढने जाएंगे हम। एंशियंट डेब्रिस उसको ढूंढने के लिए हम एक चीज बनाएंगे, और वो चीज तुम लोग कमेंट करके बताना हम क्या बनाएंगे, इससे हमें बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाए एंशियंट डेब्रिस। आई होप तुम लोगों को पता चल गया होगा। इधर से हम स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में जाने पर, हम सीधे सीधे जाते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं कितनी दूर तक आप जाएंगे। और तुम लोग सोच रहे हो भाई घोड़ा लेके क्यों नहीं जा रहा। भाई घोड़ा लेके मैं अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं खो गया ना, वो वहां पे कुछ फूल पत्ती है, फूल पत्ती भी ले चले थोड़ा। खैर कोई बात नहीं, ले लिया इसको तो हमने। और राइट गाइस, वो है हमारा घर और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओ भाई वुल्फ, एक मिनट यार, मैं बोन नहीं लाया। शिट यार, मैं बोन लाना भूल गया यार। ओ वो वहां पे क्या है, वो क्या चीज है, व्हाट, वो कोई मॉन्यूमेंट सा लग रहा है यार। देखते हैं यार, चल के चलो देखते हैं भाई। ये तो कोई पोर्टल सा लग रहा है यार। ओ गोल्ड गा गु, बोल क्या बोल। अरे कहना क्या चाहते हो। गोल्ड भाई साहब, एपिक को ले चलते हैं। ये तो निदर में मिलता है ना हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब खोद लो, पूरा मॉन्यूमेंट खोद लूंगा मैं। लावा है भाई साहब, लावा है, थोड़ा बच के। ओ भाई साहब, गोल्ड गोल्ड ब्लॉक मिला है भाई। ये सारे ले चलते हैं, थोड़ा सजाने के काम आएगा अपने। ओ ओ, यहाँ पे एक चेस्ट भी होती है, मुझे याद है, लोग बताते हैं। ओ ओ ओ, नहीं 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 नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करना, ऊपर चढ़ो चुपचाप। ओ ये री चेस्ट, हे भगवान कुछ अच्छा सा हो इसके अंदर। ओ भाई, गोल्डन हेलमेट और शवल फॉर्च्यून 3, व्हाट, ऑब्सीडियन मिला है, ये मिला है। भाई साहब मजा आ गया यार। सबसे पहले जो हमें मिला है इसको मैं घर पे रख के आऊँगा। सबसे पहले घर कहाँ था हमारा, इस डायरेक्शन में था मुझे याद है। भाई रात होने वाली है, इसी डायरेक्शन से आया था ना मैं, जल्दी से घर चलते हैं, थोड़ी ऊंची डायरेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा घर है। तो ऑल राइट गाइज, इतनी मुश्किल के बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास। पर यार इतनी मैं भाई बहुत दूर तक पहुँच गया था यार, उल्टी डायरेक्शन में यार, पहली प्रोग्रेस करके। नहीं नहीं स्केली, तुझे मैंने बोला था कि मेरे पास नहीं भटकना, तुझे तो एक जंप मारूंगा मैं खींच के। मेरे एक्सपी फार्म में आना ओए, तेरे साथियों को अभी टपकाया मैंने। भाई मुझे नहीं पता था इतनी रात में इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, मैं तो भाई कभी नहीं जाता। और भाई फाइनली हम लेके आ गए हैं थोड़ा माल पानी और थोड़ा गोल्ड। अब हम जाएंगे अपना नेदर में, और उसके बाद गोल्ड से हम ट्रेड करेंगे बहुत सारी। जैसे 9 ही गोल्ड मिला है, हाँ वैसे 452 गोल्ड है मेरे पास, इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं, ठीक है, इतना भी गरीब नहीं हूँ। तो ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है, अब ऊपर जाके हम देखते हैं कि क्या करना है हमें आज। अब और क्योंकि अब इतनी लूट लेके आ गए हैं, अब मैं वापस तो जाने वाला नहीं हूँ, अब अगली बारी जाएंगे हम वापस, ठीक है, देखते हैं। और अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई हमें बना के दिखाओ ये एक्सपी फॉर्म फिर से, तो मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। और हाँ, तुम्हें अगर मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो तुम इस वीडियो के में पूछ सकते हो, क्योंकि हम लाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन Q&A। मिनिमम 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे हमारे, उसके बाद मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नहीं, और अगर अभी तक तुमने वीडियो देख रही है तो ही तुम कमेंट कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं।
और यार जो लोग एंड तक देखते हो उनको यार दिल से थैंक यू यार, तुम लोग ओपी हो यार। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है यार वीडियो शायद छोटी होगी, पर फिर भी यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और क्वेश्चन पूछना मत भूलना, और यार तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा थैंक यू 1K करवाने में। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पर अगर लेट्स से 20 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगले पार्ट में तुम्हारे बिना बोले एक XP फार्म ऐसे ही बना के दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे मैंने बनाया था। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।